सीमा विस्तार में बहुत दिन से प्रयास चल रहा है, लेकिन ये प्रयास इधर बहुत तेजी से हो रहा है। माननीय मनोज सिन्हा जी के निर्देश पर गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय उस काम में लगे हुए हैं, और हम लोग को भी जो फॉर्मेलिटी करनी है, जो प्रक्रिया करनी है, हम लोग पिछले बोर्ड में ही उसका प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं कि नगर पालिका के सीमा का विस्तार हो। निश्चित रूप से जो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी गाजीपुर के नगर पालिका सीमा का विस्तार हो। अब तक की जो संभावना है, जो गाजीपुर में विनियमित क्षेत्र है जो मास्टर प्लान के अंतर्गत आते हैं, उससे क्षेत्र की बात चल रही है। शाहजहाँपुर के बाद गाजीपुर नगर पालिका की सीमा का भी विस्तार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में गाजीपुर नगर पालिका का भी विस्तार हो जाएगा। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो नगर पालिका क्षेत्र गाजीपुर का इलाका है, और रेलवे क्रॉसिंग के ठीक दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो वो जंगीपुर नगर पंचायत का इलाका हो जाता है। ऐसे में क्षेत्र का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, कई डिस्प्यूट भी हैं इसको लेकर के भी विकास जो है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है। अगर हम बात करें तो मेरे ठीक इस तरफ यहाँ पर रौजा ओवर ब्रिज बनाया गया है, इसकी साफ़ सफाई को लेकर के भी खींचातानी चलती है। आखिर कौन कराए जंगीपुर, क्योंकि ये ओवर ब्रिज आधा जंगीपुर में आता है और गाजीपुर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आता है, तो आखिर इसका मेंटेनेंस कौन कराए। ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर विकास जो है वो अवरुद्ध हो रहा है, जिसको लेकर के गाजीपुर नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार की बात कही जा रही है। आने वाले समय में शाहजहाँपुर की तरह गाजीपुर के भी नगर पालिका क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मास्टर प्लान का जो इलाका है, रूही मंडी, महाराजगंज, आदर्श गांव, इन इलाकों तक नगर पालिका का जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया जाएगा। यूँ कह लें कि गाजीपुर मास्टर प्लान का जो इलाका है वो नगर पालिका परिषद गाजीपुर का हो जाएगा। इसके बाद गाजीपुर का समुचित विकास हो पाएगा। गाजीपुर से उज्जवल राय ईटीवी के लिए।